देश में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में बुधवार को तापमान 38 डिग्री सेल्सियस देखा गया, लेकिन पिछले कई दिनों से पारा 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिसके कारण कई राज्यों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। यहां तक कि देश के कई राज्यों में लू का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो गया है। गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान की वजह से डायरिया, डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाल ही में हमने महाराष्ट्र में हीट वेव के कारण 11 लोगों की जान जाने की खबर सुनी थी, वहीं दर्जनों लोग अभी भी अस्पताल में हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हीट वेव से आप अपना बचाव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, और आज हम बात करेंगे कि हीट वेव से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी अपने शरीर को हाइड्रेट रखना। गर्मी के मौसम में अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें, ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि कम पानी पीने से आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। कई लोगों को कम पानी पीने की आदत होती है या फिर लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं, उन लोगों को हीट वेव की चपेट में आने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए गर्मियों में जितना हो सके उतना पानी ज़रूर पिए। कहीं बाहर जाते समय या ट्रैवल करते समय अपने साथ पानी की एक बोतल ज़रूर रखें। लस्सी, नींबू पानी, छाछ भी आपके शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करते हैं। गर्मी में बाहर जाते समय कई सावधानियां बरतें। बेवजह तेज़ धूप में बाहर जाने से बचें। ज़रूरी काम पड़ने पर ही धूप में बाहर निकलें, और यदि आप धूप में बाहर जा भी रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। जैसे कि बाहर जाते समय हल्के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े, ढीले सूती कपड़े पहने, चश्मे, छाता, टोपी जैसी चीज़ों के साथ ही बाहर निकले। अगर लड़कियाँ हैं तो आप स्कार्फ से अपना चेहरा और सर ढक सकती हैं, वहीं लड़के कैप और रुमाल से अपना सर ढक सकते हैं, इससे आपका जो शरीर है वो ठंडा रहेगा। साथ ही ध्यान रखें कि बच्चों को दिन में बाहर खेलने जाने से रोकें। अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। बाहर का तला भुना, मसालेदार और बासी खाना खाने से इस समय ज़रूर बचें, क्योंकि कई लोगों को रात का खाना खाने की आदत होती है कि उसको ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसी आदत को इस समय के लिए आप बंद कर दीजिए। गर्मियों के मौसम में रात का खाना खाने से बचें और परहेज़ करें। साथ ही तरबूज, खीरा और ककड़ी जैसे मौसमी चीज़ें और फल खाएं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि सॉफ्ट ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के पीने से परहेज़ करें। इसकी जगह आप छाछ, लस्सी या नारियल पानी पी सकते हैं। सनस्क्रीन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें। इस समय आपको टैनिंग बहुत हो सकती है, इसलिए गर्मी में बाहर जाते समय सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, क्योंकि सूरज की जो हानिकारक किरणों के कारण स्किन को नुकसान हो सकता है। धूप से स्किन जो है आपकी टैन, सनबर्न की प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए आप बाहर जाते समय अच्छी तरह से सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ध्यान रखें कि सनस्क्रीन लगाने के 15 मिनट बाद ही आप घर से बाहर निकलें। देर तक बाहर ना रहें। कुछ लोगों की बाहर बिना वजह घूमने की आदत होती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में बेवजह बाहर घूमने से आपको लू लग सकती है और आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। इसलिए गर्मियों में बिना वजह बाहर ना घूमें, खास करके दोपहर के समय। तो आप भी गर्मियों में घर से बाहर निकलते समय इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। शरीर को हाइड्रेट रखें और धूप में बाहर निकलते समय सावधानी ज़रूर बरतें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल TV9 भारतवर्ष को ज़रूर सब्सक्राइब करें।